अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो वेलकम करते हैं आपको आज के एक न्यू ब्लॉग में। और आज मैं जो है बहुत ही अच्छी सी एक्टिविटी करने लगी हूँ, यानी आज हम एक बार फिर से जाने वाले हैं फजल सेंटर गुजरांवाला लाल चुनरिया पर। और इसका जो है चर्चा आजकल यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा चल रहा है। और जो है आज लाल चुनरिया विज़िट करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो कुछ रिलेटिव हैं उनकी वेडिंग आ रही है, तो जिसकी वजह से उनको क्लोथ वगैरह ख़रीदने थे फैंसी कपड़ों में और कैजुअल पहनने के लिए, तो लाल चुनरिया इज़ द बेस्ट। तो अभी फ़िलहाल मैं अजकार वगैरह पढ़ के तस्वीर वगैरह कर रही हूँ, और साथ ही साथ हम लोग पहुँच चुके हैं आंटी की तरफ, जहाँ से हमने उनके साथ जो है फजल सेंटर जाना है। तो अभी हम लोग रिक्शे का जो है वो वेट कर रहे हैं। और ये आंटी की जो है बेटी का रूम है, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है डेकोरेट किया है, माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है लुक दे रहा है। तो इस तरह से जो है सिंपल सा रूम डेकोरेट है, और अभी जो है वेट हो रहा है। तो मैंने सोचा कि आपको मैं बता दूँ कि हम लोग जो है उधर जा रहे हैं सिर्फ विंडो शॉपिंग के लिए अभी फ़िलहाल, क्योंकि जो शॉपिंग करने के लिए थोड़े दिनों के बाद जाना है। तो अभी विज़िट करने के लिए जो है सिर्फ लाल चुनरिया पर, कि वहाँ पर जो है किस किस्म की वैरायटी है और क्या क्या उनके पास अवेलेबल है। तो उसका जो है नाम बहुत ज़्यादा सुना है, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा वैरायटी भी उनके पास सुना है कि होती है। तो अभी चलकर पता चलेगा। तो अभी हम लोग बैठ चुके हैं रिक्शे में, और अभी जो है रास्ते में, और रास्ते में जब पेट्रोल पम्प पर रुके थे, पेट्रोल वगैरह डलवाया है रिक्शे वाले ने। और अब हम लोग पहुँच चुके हैं फजल सेंटर। और फजल सेंटर आप लोगों को मैंने फ़न दुनिया के अंदर से विज़िट करवाया था बाहर जो आउटडोर था, क्योंकि हम लोग जब भी आते हैं तो रात का टाइम होता है। तो अभी जो है मगरब से थोड़ा सा मतलब कि 5 से 6 का टाइम था, बहुत अच्छा टाइम था। और सब के सब इधर जो है आप लोग को हर किस्म के ब्रांड्स मिल जाती हैं। और जो लोग तो गुजरांवाला में रहने वाले हैं या रावली रहने वाले हैं, बहुत उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जो है जानते होंगे। तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत आपको जो है मैं भी विज़िट करवा देती हूँ। ये जो ब्लैक बहुत खूबसूरत ड्रेस था, और साथ ही साथ अभी हम लोग जा रहे हैं लाल चुनरिया। तो लाल चुनरिया जो है वो बेसमेंट के अंदर है, और माशाल्लाह से जो है इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। तो अभी फ़िलहाल ये सेल टेक की शॉप है साथ ही जो है लाल चुनरिया है। और इस तरह से जो है ये बाहर से माशाल्लाह से इनके पास इतने ज़्यादा आर्टिकल्स थे कि मैं खुद देखकर हैरान रह गई थी। और इतने खूबसूरत डिज़ाइन और कलर थे कि माशाल्लाह कलेक्शन बहुत अमेजिंग थी, और बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइजेज में आप लोगों को मिल जाते हैं। तो आप लोग लाजमी लाल चुनरिया पर विज़िट कीजिएगा। और साथ ही साथ ये जो ड्रेसेस बाहर लगे हुए थे डिस्प्ले पर, ये भी माशाल्लाह से इतने खूबसूरत और बहुत ही खूबसूरती से जो है इनका सारा जो है हैंडवर्क होता है। तो ये, और अब हम लोग आ चुके हैं बाहर, और बाहर इस वक्त आकर हम लोग बैठने लगे हैं सिटिंग में। और इस वक्त जो है माशाल्लाह से मौसम नॉर्मल ही था, और साथ ही साथ हम लोग थोड़ी देर के लिए बैठे हैं। और शॉप्स जो हैं अब लोग देखें किस तरह की हो गई है, क्योंकि रात हो गई और लाइटिंग वगैरह सब की जो है ऑन हो चुकी हैं। और जो लोग विंडो मतलब के विंटर शॉपिंग करना चाहते हैं जल्दी से फजल सेंटर पहुंच जाएं, क्योंकि जो है विंटर की बहुत ज़्यादा सेल्स यहां पर लगी हुई हैं, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइजेज में जो आप लोग आर्टिकल देखना चाहते हैं सब आपको मिल जाते हैं। और साथ ही साथ मौसम पहले इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन अब जो है वो थोड़ा सा अच्छा होना शुरू हो चुका है। और फजल सेंटर भी जो था वो फन दुनिया के अंदर भी जो थे वो लोग आना शुरू हो चुके हैं। और हम लोग जो थे इस बार अंदर नहीं गए, और बाहर से ही जो था सारा विज़िट किया था। और अभी देखेंगे कि क्या खाना पीना है, तो पहले चलकर देखते हैं। तो मेरा जो था वो आज जहन था कि हम लोग जाएँ चीज़ी बाइट पर, तो चीज़ी बाइट को विज़िट करेंगे। उसके अलावा इसके अंदर आपको मुख्तलिफ जो हैं वो फूड ब्रांड मिल जाते हैं, मतलब कि मुंबई चपाती है, और इसके बाद चहार बाग है, और आप हार्डीज़ है। आप लोग जिस तरह का भी खाना पसंद करते हैं सब आपको यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल होती हैं, और आप अपनी फैमिलीज़ के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। बेस्ट प्लेस है गुजरांवाला में, क्योंकि इसके अलावा जो है मॉल्स वगैरह और कुछ भी नहीं। तो ये चीज़ी बाइट हम लोग एंटर हो चुके हैं, और एंटर होने के बाद जो है ये मैं असल में मैंने जो थे शॉर्ट्स अपनी वीडियो बनाई हैं, तो आप उधर से जाकर इसका फुल जो है विज़िट कर सकते हैं। और हमने जो है लोडेड फ्राइज़ ऑर्डर की थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, और प्राइस जो है वो मेरे शॉर्ट्स अवेलेबल है, आप उधर से जाकर इसका फुल मेन्यू देख सकते हैं। पहले जो है स्लैश वगैरह वो
ली थी और उसके बाद हम लोग आ गए हैं घर। और इस वक्त टाइम जो है वो तकरीबन 9 से 10 बजने वाले, तकरीबन 3 से 4 घंटे हम लोग उधर रहे हैं। मतलब हम बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। अब हो चुकी है मतलब कि अगले दिन मैं ब्लॉग जो था वो नहीं शूट कर पाई थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा क्लिप मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर दूँ। तो यह है तुकमे बलंगा, जिसे कहते हैं हम लोग चिया सीड्स। और चिया सीड्स को जो है मैं अगर आप लोगों को कोई भी एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो आप लोग चिया सीड्स 1 चम्मच ले लें और सिंपल जो होता है रूम टेम्परेचर वाटर उसके अंदर इसको भिगो के रख दें। और इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं ये मैदे के लिए, स्टमक के लिए, और जो है फैट कम करने के लिए बहुत ज़्यादा सही रहते हैं। और मतलब के बहुत ज़्यादा ये यूज़ आप लोग ना करें, तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून दिन में जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। और इससे जो है ना आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। तो अभी मैं जो है वो ये पीऊँगी और उसके बाद देखते हैं कि मैं क्या करती हूँ। तो मैंने सोचा कि अभी तो अपना जो है ये वाला ब्लॉग का एंड इसी मतलब के ब्लॉग का यहीं पर जो है मैंने एंड करना था। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर दूँ कि मैं पीने वाली थी। तो मैंने जो है मैं देख रही हूँ तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो मेरे वीडियो वॉच तो करते हैं लेकिन जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ और ब्लॉग्स जो है रिकॉर्ड कर सकूँ। क्योंकि जब आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो फिर मेरा दिल नहीं करता दोबारा से वीडियो बनाने के लिए। फिर वो जो है बंदा नाउमीद हो जाता है, होपलेस हो जाता है कि पता नहीं हमारा जो चैनल है वो किसी को पसंद आ रहा है कि नहीं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर किया करें। आपसे बातें करते करते मेरा जो है वाटर वो फिनिश हो गया। कोई भी इसका जो फ्लेवर नहीं होता, बहुत मज़े का फ्लेवर होता है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्त। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।